हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी लीगल न्यूज के बारे में। जी हाँ, सेक्शन 377 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 केस लॉस जो आपको सेक्शन 377 के डिस्कशन में हेल्प करेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट केस इज द नास फाउंडेशन केस। नास फाउंडेशन एक ऐसी एनजीओ है जो एचआईवी, एड्स और दूसरे हेल्थ इशूज से डील करती है। इस केस में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या हमें सेक्शन 377 हटा देना चाहिए। कोर्ट ने इस क्वेश्चन को दो एंगल से डील किया। सबसे पहले आर्टिकल 21, उन्होंने कहा कि डिग्निटी और प्राइवेसी के बिना कोई भी इंसान राइट टू लाइफ एंजॉय ही नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने डिस्कस किया राइट टू इक्वालिटी का कंसेप्ट। उन्होंने कहा सेक्शन 377 आर्टिकल 14 की वायोलेटिव है। क्यों? क्योंकि वो अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करता है। वो होमोसेक्सुअल्स को एज अ क्लास डिस्क्रिमिनेट करता है और उनके कंसेंशुअल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्टिकल 15 के अंदर सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। अब यहाँ पे सेक्स का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स नहीं होता, इसका मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी होता है। आगे जाके यही आर्ग्यूमेंट बहुत सारे केसेस में यूज किया गया था एंड ये कहा गया कि बायोलॉजिकल टेस्ट से कंपेयर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए। 2009 में नास फाउंडेशन के इस लैंडमार्क जजमेंट को अनाउंस करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 377 का वो पार्ट जो होमोसेक्सुअल एक्ट क्रिमिनलाइज करता है, हमें उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। हालांकि अमेंडमेंट वाला पार्ट उन्होंने पार्लियामेंट में छोड़ दिया। अब 2009 से पहुंच जाते हैं 2013 के सुरेश कौशल जजमेंट पे। इस केस में मेनली दो आर्ग्यूमेंट्स उठे। पहला ये कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, सिर्फ पार्लियामेंट ही इसे डिक्रिमिनलाइज कर सकती है, कोर्ट्स इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरा उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी को आप इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते कि उसके अंदर आप एक ऑफेंस कमिट करें, तो राइट टू प्राइवेसी विल नॉट कवर होमोसेक्सुअल एक्ट्स। इस जजमेंट को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप बैकवर्ड करार दिया। तो 2009 के नास फाउंडेशन केस के बाद जो लोग अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने लगे थे, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन फ्रीली एक्सप्रेस करने लगे थे, तो 2013 के सुरेश कौशल जजमेंट के बाद उन्हें एज अ क्रिमिनल देखा जा रहा था, उन्हें टारगेट किया जा रहा था। 2013 के जजमेंट के इम्पैक्ट को समझने के लिए आप अलीगढ़ मूवी देख सकते हैं। इस मूवी में इस ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब पहुंच जाते हैं 2014 के नालसा जजमेंट में। इस केस में ये लूपहोल सामने आया कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग इंडियन लॉज है वो बाइनरी जेंडर्स, मेल या फीमेल पे फोकस करते हैं एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो राइट्स है वो कोई भी प्रोविजन प्रोटेक्ट नहीं करता। इस वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेट हो रही है। इस लूपहोल को डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मल्टी फेसेड राइट्स रिकॉग्नाइज किए। देखते हैं वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14 के अंदर हर इंसान के राइट्स प्रोटेक्टेड है, इसमें मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर सब इंक्लूडेड है। इसके बाद उन्होंने कहा आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, तो अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये 15 और 16 के वायोलेटिव होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था आर्टिकल 19 के लिए। उन्होंने कहा प्राइवेसी, जेंडर आइडेंटिटी और इंटेग्रिटी, ये सारी ही चीजें प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। इस आर्ग्यूमेंट में इनडायरेक्टली आप सेक्शन 377 इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बात हुई आर्टिकल 21 की। इसमें उन्होंने कहा कि राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड करता है राइट टू चूज जेंडर आइडेंटिटी। हमें ऐसे प्रोविजंस लाने की जरूरत है जो प्रेजेंट डे नीड्स पे फोकस करें। इस केस की वजह से सेल्फ आइडेंटिटी और जेंडर आइडेंटिटी को लीगल रिकॉग्निशन मिल सका। अब पहुंच जाते हैं 2017 के पुट्टास्वामी जजमेंट में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अफर्म किया कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। इस केस को डिसाइड करने के लिए 9 जजेस की बेंच बैठी थी। अब वो क्यों बैठी थी और उसका क्या इम्पैक्ट था ये हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 समझते वक्त। इस जजमेंट को ऑथर किया था जस्टिस चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुरेश कौशल केस में की हुई गलती को रेक्टिफाई करे। उन्होंने कहा सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है प्राइवेसी का और इस एट्रीब्यूट को पार्ट 3 के बहुत सारे राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। इस केस में उन्होंने माइनस्कल माइनॉरिटी वाला आइडिया रिजेक्ट किया था। अब बात करते हैं इस साल के सबसे सेलिब्रेटेड जजमेंट की, नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने सेक्शन 377 को पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इस केस में जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी वो कंसिस्ट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस रोहिंटन नारिमन, जस्टिस A.M. खानवीलकर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट D.Y. चंद्रचूड़। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा प्राइवेसी जजमेंट भी ऑथर किया था जस्टिस चंद्रचूड़ ने। इस केस में भी उन्होंने सेम लॉजिक अप्लाई किया है। आर्टिकल 14 का सपोर्ट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो कंसेंटिंग एडल्ट सेक्सुअल एक्ट क्रिमिनलाइज कर दो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो होमोसेक्सुअल है,
ना ही ये कोई वैलिड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हुआ और ना ही कोई रैशनल नेक्सिस। ऐसे ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो मोरालिटी जैसे एम्बिगुअस या सब्जेक्टिव टेस्ट पे बेस्ड है, उन्हें हमें गिव अवे कर देना चाहिए। आर्टिकल 15 की कंटेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नास फाउंडेशन के वक्त दिल्ली हाई कोर्ट की जो अप्रोच थी कि सेक्स इंक्लूड्स बायोलॉजिकल प्लस सेक्शुअल ओरिएंटेशन, वही सबसे सही अप्रोच थी। एंड यही अप्रोच हमारी इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करता है। आर्टिकल 19 को सपोर्ट करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी को हम नैरोली डिफाइन नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है हर इंसान का राइट कि वो खुद की आइडेंटिटी को खुल के एक्सप्रेस कर सके। फाइनली आर्टिकल 21 का सपोर्ट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंक्लूड करता है प्राइवेसी, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी को। हालांकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के आप ये सारे राइट्स कर्टेल कर सकते हैं, पर सेक्शन 377 अप्लाई करके आप किसी को भी इन राइट्स के एंजॉयमेंट के लिए नहीं रोक सकते। सो यू रीच द एंड ऑफ द वीडियो। ये टाइमलाइन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।